हेलो गाइस, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी। टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी असेसमेंट जो है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट इज़ द बेस इवेलुएशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेलुएट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ए फॉर्मल प्रोसेस एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी इज टर्म ऑफ पर्सनैलिटी। तो किसी भी पर्सनैलिटी या किसी भी इंडिविजुअल को जानने के लिए कम से कम एरर और राइट एक्यूरेसी हो, उसको हम पर्सनैलिटी असेसमेंट बोलते हैं। यानी कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें, जिनके बेस पर हम उसकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। यूज़ ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है कि किसी पर्सनैलिटी, कोई पर्सन किसी एक सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसे किस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या उसकी कैसी काउंसलिंग है, कैसे उसको डायग्नोस किया जाए। साथ ही साथ इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, हम इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। टेक्निक्स हैं जैसे सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है एंड बिहेवियर एनालिसिस। सेल्फ मेजरमेंट मेजर को हम एक बोल सकते हैं, ये एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड मींस कि हम सीधा जो हमें सब्जेक्ट मींस जिस पर्सन का हम इंटरव्यू ले रहे हैं या जिस पर्सन के बारे में हमें जानना है, वो अपने आप ही अपने बारे में बताता है। यानी चाहे हम उसे बात करके बताएं या टेस्ट के थ्रू बताएं, यानी कि वो अपने बारे में बताता है। तो इसमें सेल्फ रिपोर्ट मेथड टू असेस अ पर्सन बाय आस्किंग हिम और हिम अबाउट हिमसेल्फ, दीज आर स्ट्रक्चर्ड मेजर इन विच सब्जेक्ट मेड टू ऑब्जेक्टली रिपोर्ट वर्बल रेस्पॉन्सेज। ठीक है, जो है पर्सन वो है कि जो भी सब्जेक्ट है वो एक वर्बल रेस्पॉन्स जो देता है उसका हम रेटिंग स्केल के थ्रू चेक करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टेस्ट है MMPI, मिनेसोटा मल्टीपिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जो कि एक साइकेट्रिक डायग्नोसिस है बट लेटर अप्लाइड टू वैरायटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, हाइपोडायलिसिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, इन सब पर भी इसमें किया जाता है। इसमें जो है आपके 567 स्टेटमेंट होते हैं जो कि ट्रू एंड फॉल्स पे होते हैं, और साथ में 10 सब स्केल्स होते हैं। यानी कि ये जो 567 स्टेटमेंट होते हैं 10 सब स्केल्स में डिवाइडेड होते हैं, जो कि आपके लिखे हैं ऊपर, हाइपोडायलिसिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, इस तरह के कुछ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिनके बेसिस पर हम पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइजेनिक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर EPQ टेस्ट के। इसके टू डायमेंशंस हैं बेसिकली, और इसमें हमें करना होता है 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में हम इसमें जानते हैं। बट जो टू डायमेंशंस हैं वो हैं आपके इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इमोशनल स्टेबल एंड अनस्टेबल। यानी कि इस टेस्ट के थ्रू हम पर्सन इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, इमोशनल स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ साइको, यानी कहीं उसमें कोई एंटी सोशल बिहेवियर तो नहीं है, ये भी जानने की कोशिश जो है आइजेनिक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर के थ्रू की जाती है। लेटेस्ट आइजेनिक एडिट 3 डायमेंशंस, जो कि अभी आपको बताया, साइकोस्ट्रिंग यानी लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, जिसे हम बोल रहे हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर, वायलेंट बहुत ज़्यादा, ये भी जो है लेटेस्ट इस टेस्ट में यूज़ किया गया है। थर्ड हमारा सेल्फ रिपोर्ट में केटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर, जिसे हम शॉर्ट में 16 PF बोलते हैं। द टेस्ट प्रोवाइड विद डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड द सब्जेक्ट रेस्पॉन्स टू द स्पेसिफाइड सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव। इसमें जो है सीधे जो है पर्सन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको एक अल्टरनेटिव चूज दिए जाते हैं, उनमें से उसे चूज करना होता है। मोस्टली इस चीज़ का यूज़ जो है पर्सन के कैरियर गाइडेंस या ऑक्यूपेशन टेस्टिंग्स के लिए किया जाता है। यानी केटल के 16 PF का जो यूज़ है वो कैरियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग्स के लिए किया जाता है, साथ ही टू असेस स्पेसिफाइड डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स। ओके, नेक्स्ट इसकी है हमारी लिमिटेशंस, जो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है उसके लिमिटेशंस क्या हैं और यूजेस क्या हैं। यूजेस आपको बता चुकी हूँ, जैसे कैरियर के लिए है, किसी की पर्सनालिटी को चेक करना है, बट लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन सबसे बड़ी है कि जब हम पर्सन से उसके बारे में पूछ रहे हैं तो वो सोशल डिजायरेबिलिटी की वजह से अपने बारे में कुछ चीज़ें जो है वो छिपा लेता है। एक्विसेंस होता है, यानी कि इट इज़ अ टेंडेंसी टू सब्जेक्ट ऑफ सेइंग येस टू आइटम इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंटेंट विच मेक इट लेस रिलायबल फॉर एफेक्टम। कई बार वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सुनकर जल्दी जल्दी हाँ भर देता है, जबकि वो उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, चीज़ें नीचे हेजिटेट करता है, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देने में, सही बात बताने में भी प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट हमारा है, ये सारी चीज़ें थी डायरेक्ट मैटर डायरेक्टली हमने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए। सेकंड टेक्निक्स है हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड्स भी बोलते हैं। दीज टेक्निक्स इज एन इनडायरेक्ट मेथड यूज टू अनकवर एंड एक्सेस द लार्ज पार्ट ऑफ द बिहेवियर विच इज गवर्न बाय अनकॉन्शियस मोटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ रिपोर्ट में कॉन्शियसली होकर भी आंसर देते हैं, पर इनडायरेक्ट मेथड में पर्सन के जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें हैं, जो उसे भी पता नहीं रहती, उनको हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अनकॉन्शियस है, स्ट्रीमलीज जो है, जो भी हम उसे चीज़ें दिखाएंगे, यानी स्ट्रीमलेस दिखाएंगे, स्ट्रीमलाइज दिखाएंगे, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे,
पूरी तरह डिफाइन नहीं होंगे, उन्हीं को देख के उसे कुछ ना कुछ होगा। इसमें कोई करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स नहीं देने, जो भी वो रेस्पॉन्स देगा यानी कि चाहे वो करेक्ट कोई भी आंसर दे उसका कुछ ना कुछ आस्पेक्ट होगा, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर लेंदी एंड समटाइम्स ऑब्जेक्टिव, कई बार जो है ये बहुत लेंदी हो जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है, बट क्वालिटी पर फोकस होता है यानी सब्जेक्ट जो कर रहा है उस बात पर इसमें ज़्यादा फोकस होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट का रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। रोशा टेस्ट दिस इज डेवलप्ड बाय हरमन रोशा। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 इंक ब्लॉट, 5 ब्लैक 2 रेड एंड रिमेनिंग पेस्ट कंट्रोल। इस टेस्ट में 10 जो है इंक ब्लॉट से बने हुए प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं, 5 बिल्कुल ब्लैक से होते हैं, 2 वाइट से बने होते हैं, कुछ पेस्टल्स कलर का यूज़ किया जाता है। उसमें जो इंक से टेस्ट से जो भी फिगर जो चीज़ें बनी हुई हैं उसके बेस पर पर्सन को रेस्पॉन्स करना होता है, यानी 2 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेसेस परफॉर्मेंस प्रॉपर, सब्जेक्ट आर शो द कार्ड एंड आस्क टू टेल वाई दे सीन। सबसे पहले पूछा जाता है कि सब्जेक्ट से उसने कार्ड दिखाया जाता है कि उससे पूछा जाता है उसे क्या दिखाई दिया, तो सारे कार्ड दिखा के ये सारी चीज़ पूछ ली जाती है। सेकेंड फेज होता है इंक्वायरी कि ए डिटेल रिपोर्ट ऑफ रेस्पॉन्स टू प्रिपेयर बाय आस्किंग द सब्जेक्ट टू टेल ऑन वर हाउ एंड ऑन व्हाट द बेसिक ऑफ, कि उसने जो रेस्पॉन्स दिया क्यों दिया, कैसे दिया, किस बेस पर उसने ये रेस्पॉन्स दिया, और जो उसने सेकंड फेज में जो सारी चीज़ें बताएं उसके बेसिस पर हम उसके जजमेंट करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। सेकेंड हमारा है TAT टेस्ट यानी थर्मेटिक अप्रेशन टेस्ट, इज डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड मॉरे। लिटिल मोर स्ट्रक्चर दैट द इंक्लूड टेस्ट, इट कंसिस्ट 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड एंड 1 ब्लैक कार्ड। ठीक है, इसमें 30 कार्ड होते हैं जिसमें से एक ब्लैंक कार्ड होता है। हर कार्ड पर कुछ ना कुछ सिचुएशंस हैं, प्यूपल्स बने हुए हैं, परफॉर्मिंग असेसमेंट यानी कि जो भी उस कार्ड में पिक्चर्स बनी हुई हैं उन पर वो क्या सिचुएशंस दे रहा है। जैसे मेथड में लिखा है वन कार्ड इज प्रेजेंटेड एट एक टाइम में एक ही कार्ड प्रेजेंट किया जाएगा और उससे एक क्वेश्चन दे व्हाट लेट द सिचुएशन व्हाट इज, यानी उस कार्ड में क्या सिचुएशन है, क्या मूवमेंट है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको उसे देख के क्या फीलिंग आई है। ये सारी चीज़ें जब पर्सन डिफाइन करता है तो उसके बेसिस पर हम पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन करने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस टेस्ट का इंडियन एडेप्टेशन टेस्ट भी बनाया जो कि उमा चौधरी ने बनाया। थर्ड टेस्ट है हमारा रोजन पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट यानी PF टेस्ट स्टडी, वाज डेवलप्ड बाय रोजन रिसर्च टू असेस हाउ पीपल टू एक्सप्रेस एग्रेशन इन अ फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन। यानी कि जब फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन होती है तो पर्सन जो है वो कैसे एग्रेसिव होता है। इसमें हमारी जो है क्या है कि कार्टून पिक्चर्स होती हैं, कार्टून टाइप्स की पिक्चर होती है। टेस्ट कंसिस्ट अ कार्टून लाइक पिक्चर डिपेक्टिंग सिचुएशन विद पर्सन इज फ्रस्ट्रेटिंग अदर। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट द फ्रस्ट्रेशन विल से और डू। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन को क्या करना है। एनालिसिस इज द बेस्ट द टाइप एंड द डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन, यानी कि पर्सन जो है उसके आसपास जो रेस्पॉन्स दिए उसने फ्रस्ट्रेटेड पर्सन ने, उन पर्सन को हम एग्जामिन करते हैं, उस सिचुएशन पर उसने क्या किया है, क्या उसने सॉल्यूशन निकाला है, उनके बेस पर उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। एंड लास्ट वन है सेंटेंस्ड कंप्लीटेशन टेस्ट। इसमें सीधे सीधे सेंटेंस होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं जिसको कंप्लीट करना होता है सब्जेक्ट को। द स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड एंड द सब्जेक्ट हैज टू प्रोवाइड एन एंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, द टाइप ऑफ एंडिंग हेल्प असेस द अनकॉन्शियस एटीट्यूड मोटिवेशन एंड कंफ्लिक्ट। यानी कि जैसे माई फादर, इसमें पर्सन को लिखना है कि माई फादर इज वर्किंग या माई फादर ऐसे, माई फियर क्या है, इस तरीके जो क्वेश्चन फिल करता है पर्सन उसके बेस पर हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। सॉरी, एक लास्ट टेस्ट है इसमें ड्राई पर्सन टेस्ट। ड्राई पर्सन टेस्ट जो है हमारा एक ड्राइंग बेसिस टेस्ट है। इन दिस टेस्ट सब्जेक्ट्स टू प्रोवाइड ए पेंसिल इरेजर एंड शीट आस्क टू ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ पर्सन। पर्सन को इसमें ये सारा सामान दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ करो। जब पर्सन पिक्चर ड्रॉ कर लेता है यानी कि फिर उससे कहा जाता है, अगर किसी पर्सन ने मेल की है तो थोड़ी देर में उसे कहा जाता है आप फीमेल की कीजिए। फिर फीमेल की ड्रॉ करने के बाद सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टोरी अबाउट द पर्सन, उन दोनों के बारे में उसे स्टोरी बतानी है या कोई कैरेक्टर बताना है। देन हम इंटरप्रिटेट क्या करते हैं कि पर्सन ने जो फेशियल फीचर्स बनाए हैं, जो चीज़ें बनाई हैं या जो चीज़ें हाइड कर दी हैं या कुछ साइज उसने बड़ा बनाया है, कुछ छोटा, कुछ भूल गया है, तो उनके बेसिस पर उस पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। थर्ड है हमारा बिहेवियर एनालिसिस। दिस एनालिसिस कैन प्रोवाइड अस विद अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज और पर्सनैलिटी। व्हाई बिहेवियर एनालिसिस किया, कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को कैसे एनालिसिस करते हैं, थ्रू इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट। इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर। किसी भी पर्सन को हमें इंटरव्यू लेना है तो पहले से ही हमें जो है सारी चीज़ें, सारा प्रोसेसर, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं और उसके बेसिस पर हम रेटिंग करते हैं। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू इन्वॉल्व आस्किंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि पहले से स्पेसिफाई नहीं है, हम कुछ भी उसके एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि उसकी हम पोटेंशियल जानने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट, यानी कि किसी भी वर्क के दौरान, किसी भी ट्रेनिंग के दौरान हम पर्सन की पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करते हैं। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग में उसका डाटा, मैच्योरिटी यानी कि जब वो काम कर रहा था वो कैसे है, कैसे डिसीजन लेता है, ये सारी चीज़ भी हम नोट करते हैं।
थर्ड टेस्ट है हमारा बिहेवियर रेटिंग. बिहेवियर रेटिंग आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग. ठीक है, बिहेवियर रेटिंग्स का यूज कहाँ किया जाता है, एजुकेशन में या इंडस्ट्रियल सेटिंग में. यानी कौन सा पर्सन किसी पर्सन के साथ कैसे बात कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे वो स्टेटमेंट लेता है, कैसे उसका बिहेवियर है, इन सब के. लिमिटेशन ऑफ बिहेवियर रेटिंग मेथड. लिमिटेशंस हैं इस मेथड्स में कुछ. रेटर जनरली डिस्प्ले, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि इसमें वो बायसनेस ना हो जाए. अगर बायसनेस होगा जो पर्सन किसी के पर्सन की रेटिंग कर रहा है, तो जो कंडीशंस हैं या जो जजमेंट है किसी की पर्सनालिटी का, वो बेकार हो सकता है. नेक्स्ट, रेटर हैव अ टेंडेंसी ऑफ प्लेस इंडिविजुअल इन मिडिल ऑफ द स्केल. कई बार किसी एक्सटर्नल स्ट्रीम की वजह से, किसी एक्सट्रीम पोजीशंस की वजह से, जो रेटर जो किसी पर्सन को रेट दे रहा है, वो भी चेंज हो जाता है. फोर्थ है नॉमिनेशन. इन द मेथड पीपल इन ए ग्रुप हु नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड आस्क टू नॉमिनेट अदर पर्सन फ्रॉम द ग्रुप विद होम टू लाइक अ वर्क. यानी कि इस नॉमिनेशन में हम किसी दूसरे पर्सन को, जो जिसे आप बहुत टाइम से जानते हैं, वो आपकी वर्क के बारे में, कुछ प्ले के बारे में, कुछ एक्टिविटीज रहती है, और जो वो स्टेटमेंट देता है उसके बेस पर उसे जज किया जाता है. एंड लास्ट मेथड है हमारा सिचुएशनल. लास्ट है हमारा सिचुएशनल टेस्ट. सिचुएशनल टेस्ट A variety of situational tests have been devised for the assessment of personality. Most commonly used test is situational stress test. ठीक है, सिचुएशन में कोई भी पर्सन कैसे कर रहा है, यानी अपने स्ट्रेस कैसे कर. इट प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन हाउ अ पर्सन बिहेव अंडर अ स्ट्रेसफुल. सबसे बड़ी चीज़ कि एक सिचुएशन में जब पर्सन किसी स्ट्रेस में होता है और वो कैसे बिहेव करता है, इस टेस्ट के थ्रू हमें वो पता चलता है. इन परफॉर्मिंग दिस टेस्ट द पर्सन इज गिवन अ टास्क अंडर स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट. इसमें पर्सन को एक स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट के अंदर टास्क दी जाती है, और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि वो सपोर्टिव है, नॉन कोऑपरेटिव है, या कोऑपरेट कर रहा है, या क्या वो रोल प्ले कर रहा है, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसको असेस किया जाता है. थैंक यू. ये आपका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया.